नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आरोन की, जहां आरोन के जिद्दी मास्क विक्रेताओं के सामने प्रशासन फेल हुआ। साथ ही बात होगी भोपाल की, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की मनमानी आई सामने, और शिवपुरी में नौकर निकला मास्टर माइंड। छतरपुर में गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए नौकर ने ही दिया चोरी की वारदात को अंजाम। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आरोन से है, जहां जिद्दी मांस विक्रेताओं के सामने प्रशासन फेल। बता दें, किला मोहल्ला की गलियां हो या गायत्री मंदिर का पवित्र क्षेत्र, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का मुख्य द्वार हो या बुधवार के पारंपरिक हाट बाजार, सब में शाकाहारियों, दर्शनार्थियों, विद्यार्थियों को मुंह चिढ़ाते, मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के धज्जियां उड़ाते मांस के व्यापारी खुले में अपनी दुकानें लगाने से बाज नहीं आते। कई बार स्कूल के छात्रों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया, कितनी ही बार नगर के पीड़ित जन समुदायों ने गुहार लगाई, सामाजिक संगठनों ने भी अपने प्रयास किए, प्रशासन जनसंवाद के कार्यक्रमों में भी मुख्य मुद्दा रहा, पर हुआ कुछ नहीं। पूर्व में भी कुछ अधिकारियों ने कार्यवाही की खानापूर्ति कर अपना पल्ला झाड़ा, कुछ अधिकारियों ने ज्ञानदार जानदार लच्छेबार बातों से आवाज उठाने वाले परेशान लोगों की कुंठा को वहीं सांत्वना दे दी। मांस किन किन जगहों पर बिकता है, वर्तमान आला अधिकारियों को सब कुछ पता है। विरोध के ज्यादा स्वर सुनकर प्रशासन फिर चेत कर विक्रेताओं को समझाने जा सकता है, पर पता नहीं क्यों सख्त कार्रवाई नहीं करेगा। फलस्वरूप दो दिन उसी स्थान पर छुप छुपा कर बेचेंगे और फिर अपनी जिद पूरी कर ठसक से मांस खुलेआम बेचेंगे। पता नहीं कब तक प्रशासन की नाकामी का खामियाजा छात्र छात्राओं तथा धार्मिक लोगों सहित आम जनता को भोगना पड़ेगा। आरोन से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की मनमानी से जनता त्रस्त आ चुकी है। ऐसे में कुछ फरियादी अपनी तकलीफ लेकर उप मुख्यमंत्री के बंगले पहुंचे। इन फरियादियों का कहना है कि पुलिस का अपराधियों को संरक्षण है, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस माल बरामद करने के बाद फरियादियों को माल भी नहीं समझती। वहीं फरियादियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है कि वो दोबारा कंप्लेंट लिखने जाते ही नहीं। इन फरियादियों के आवेदन पर उप मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से ऐसे पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जो भोली भाली जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। 15 नवंबर को मैं प्रमिला शुक्ला सहायक शिक्षक हूं। मैं उपरहटी में मेरी स्कूल है। मैं चुनाव ड्यूटी में जा रही थी, मेरी पिंक बूथ में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, तो मेरे घर में 15 नवंबर को चोरी किए वहीं के निराला नगर के। मेरा घर गायत्री नगर में है, प्रथम अक्षर के पास से गली गई हुई है, और बरसा TI मैडम वहाँ थी। मेरे ऊपर बहुत सहानुभूति दिखाई। जब चोर पकड़ा गया, मेरा सामान बरामद हुआ, तो अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई हुई। दूसरों का सामान देती हैं, मेरा सामान कहती कि वो बरामद है, कुछ नहीं किए हैं, तो हम कैसे जिए। मेरे पास एक लड़की है, मेरा पति भी नहीं है मेरे साथ में। मैं रीवा से यहाँ नवतपा में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में आई हूँ, वो मेरे को अनुशासन दिए हैं, तो मेरा सामान SP महोदय से अनुरोध मेरा है कि मेरा वो सामान दिलवाएं और कार्रवाई करें। जो शासन प्रशासन का कानून है उसको फॉलो करें, ये नहीं कि अंदर बैठे से ही जनता तके रहे, वो बुलाते नहीं हैं। हाँ, मेरा सामान 40 तोला मेरा सोना था और 6 किलो मेरी चांदी थी, मेरी जीवन भर की पूंजी चली गई। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने हमने अपनी ये व्यथा रखी है कि रीवा में जिस तरीके से पुलिस का मॉडल पेश किया जा रहा है कि आरोपियों को सह और फरियादियों में भय, इसके खिलाफ हमने उनसे अपनी व्यथा रखी है कि किस तरीके से अगर किसी के साथ वहां पे चोरी की घटना हो जाए, कोई कर्मचारी सामान लेके फरार हो जाए और पुलिस में अगर रिपोर्ट कराने पहुँचें तो पुलिस उल्टा फरियादियों पर ही मुकदमा लाद दे मुँह बंद कराने के लिए। और यही हमारे साथ हो रहा है। 3 किलो 645 ग्राम सामान चोरी गया, उसकी रिपोर्ट लिखाई, 3.5 महीने तक FIR दर्ज होने के बाद आरोपियों को तो पुलिस पकड़ नहीं पाई, लेकिन जब फरियाद लेके गए तो थाने में हमारे पूरे परिवार को बंद करके 10:30 बजे बदतमीजी की गई, बदसुलूकी गई और 149, 186, 504 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया ताकि हम पुलिस की पोल न खोलें। ये बहुत ही घृणित कृत्य है पुलिस का। पुलिस फरियादियों पर दबाव डाल के अपराध पर क्या रोकथाम कर पाएगी,
क्या अपराधों पर ऐसे अंकुश लगेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर हमने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से अपनी व्यथा सुनाई है और उन्होंने भरोसा दिया है और दोषी पुलिस अधिकारियों पर यहीं से इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये जो फर्जी मुकदमा लाद दिए गए हैं मुंह बंद कराने के लिए, उस पर खात्मा लगाया जाए और आगे जो आरोपी फरार हैं, जो मस्त हैं और फरियादी जो पस्त हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई हो और आरोपियों को पकड़ा जाए। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। मरौनी तहसील अंतर्गत ग्राम पठा विजयपुर के ग्रामीण आज विद्युत विभाग पहुंचे, वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारी वहां उपस्थित नहीं थे, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हुए। विद्युत विभाग के गेट पर ग्रामीणों द्वारा नारेबाजी की गई, क्योंकि शासन निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत उपलब्ध होने का दावा किया गया है, परंतु ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ 24 घंटे में से 4 से 5 घंटे विद्युत सप्लाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि तपती धूप में भी विद्युत सप्लाई नहीं की जाती है, सिर्फ रात्रि के वक्त विद्युत सप्लाई की जाती है, वहीं सुबह के वक्त वापस विद्युत सप्लाई काट ली जाती है, जिसकी वजह से ग्राम पठा के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा महरौनी उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और बताया गया कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा मनमानी की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कई छोटे बाल बच्चे एवं बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, जिनके लिए विद्युत उपलब्ध होना अनिवार्य, परंतु कर्मचारियों की मनमानी से विद्युत सप्लाई नहीं की जा रही है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। वहीं अगर अभी भी ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीणों का कहना है कि वो और भी प्रदर्शन जारी रखेंगे, तब तक उनके ग्राम में पूर्ण रूप से विद्युत सप्लाई नहीं होगी। बाहर मौजूद हैं कुछ ग्रामीण, आइए समझते हैं क्या है इनकी समस्या। क्या नाम है आपका? मैं पंकज बिदुआ पठा से। समस्या ये है कि मुझे, मैंने कलेक्शन साहब से बात की कि आप लाइट क्यों नहीं प्रॉपर दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप बिल जमा कराइए। तो मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी, आप अधिकारी हैं, आप कर्मचारी हैं, मेरा जमा, इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। ना कोई समय सीमा है, ना समय ये तय है कि आपको कब लाइट मिलेगी। यहाँ से हमें फ़ोन किया जाता है, हम बात करते हैं तो 18 घंटे आएगी, 16 घंटे आएगी, 20 घंटे। रात में कल 2 बजे लाइट यहाँ दी गई और सुबह 5 बजे काट दी गई। कौन से फीडर की समस्या है? पठा फीडर है, अपना अलग करा दिया था, पहले सलाउन में था ये। कितनी बिजली मिल रही है? 4 से 5 घंटे आ रही है, वो भी बिना किसी समय के, पूरा निश्चित समय, पता नहीं कब आएगी, दिन में, रात में, सुबह, शाम, कोई, जैसा हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, ना दिन में, ना रात में, ना सुबह, ना शाम, देहरी पे बैठ के, ऐसी लाइट की स्थिति है, अदृश्य चल रहा है पूरा मामला। अधिकारियों से वार्ता में कोई समाधान मिला? SDO साहब मौजूद है नहीं सीट पे, 11 बज रहे हैं, सोमवार का दिन है, इसलिए हम लोग आज आए थे कि उनसे मिलेंगे, वार्ता करेंगे। SDO साहब नहीं है, JE साहब नहीं है, अब हम किससे बात करेंगे? आप लोग हमारा सहारा है, हमने पत्रकारों का सहारा लिया है, मीडिया बंधुओं का सहारा लिया है, आप हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे, आपका धन्यवाद। ठीक है, अब तुम बताओ। बोल, मैं तुम्हें बुंदेली में बताऊंगा। कुछ और ग्रामीणों से बात करेंगे। क्या नाम आपका? आनंद दीक्षित। आपका? राम निवास दीक्षित। आनंद जी बताएं क्या दिक्कत आ रही? लाइट की बहुत समस्या चल रही है गाँव में। कल हमारे यहाँ एक कुशवाहा के जो है व्यक्ति, खत्म भी हो गया है लाइट की, बनी मिली लाइट, तो गर्मी से बिलख बिलख के जो है मर गया है, और बच्चे भी बीमार हैं। अभी हम 2 बच्चे तो साथ में लेके आए हैं, उल्टी दस्त हो रहे हैं, और लाइट से इतनी परेशानी है, ये सरकार की छवि भी ख़राब कर रहे हैं। उनने बोर्ड डलवा ली है, बोर्ड डलवा करके अब उस दिन से लाइट भी नहीं दे रहे हैं, तो हमारी सरकार की भी तो छवि ख़राब कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संदीप उपाध्याय, हम लोग पठा से आए हैं। क्या दिक्कत आ रही संदीप? हमारा ये पठा फीडर है, यहाँ से अघोषित कटौती की जा रही है, उसका कोई समय नहीं है, और इन लोगों को बार बार कहने के बावजूद भी ये लोग लाइट का कोई प्रॉपर तरीके से लाइट दे नहीं रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलख रहे हैं, बीमार हैं, कई लोग परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कितने दिन से समस्या है? ऐसा लगभग 15 दिन हो गए हैं, अघोषित मतलब कोई रूप पता ही नहीं है, कब आएगी लाइट, नहीं आएगी लाइट। अभी ऐसा फिलहाल में ऐसा है कि 72 घंटे से केवल 10 घंटे लाइट दी गई है, स्थिति बहुत ही ख़राब है। हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं, ये लोग मान नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पावर हाउस पे आए हैं। आज ताला लगा है, कल उग्र प्रदर्शन करेंगे। और चली गई लाइट का कोई भी समय नहीं है, और बूढ़े बच्चे एकदम परेशान हैं, आखिर बूढ़े बच्चों की परवरिश कैसे करें इस गर्मी के माहौल में, जहाँ तापमान 47 डिग्री से भी ऊपर है। हम बच्चों के लिए अब पंखे से हवा करते, कहाँ तक उनके लिए सुलाएं, कैसे उनकी परवरिश करें, बहुत परेशान है। लाइट का कोई समय नहीं है, कभी रात में भी 10 मिनट के लिए आई, कल तो 11 बजे 10 मिनट के लिए लाइट आई, फिर जाके 1:30 बजे लाइट आई, फिर 1-1.5 घंटे रही लाइट, फिर चली गई। तो लाइट का ना दिन में कोई समय है, ना रात में कोई समय है। हमारा सभी से निवेदन है,
सभी अधिकारियों से कि हम लोगों का ख्याल रखें इस गर्मी के माहौल में। मरवानी से सीनियर संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शामली जिले के तहसील ऊन परिसर में पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन की महिला विंग की जिलाध्यक्ष कविता चौधरी ने तहसीलदार ऊन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य समस्या थाना भवन झिंझाना मार्ग का निर्माण, किसान सहकारी समितियों के द्वारा खाद यूरिया के साथ जबरदस्ती नैनो पेस्टिसाइड आदि दवाइयां दी जाने को लेकर, गांव में सफाई व्यवस्था को लेकर, गांव सापला में जल भराव को लेकर, अवैध खनन को लेकर, गांव पिंडोरा व सापला में नालों की सफाई को लेकर आदि समस्याओं को अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार ऊन ने आश्वासन दिया कि जो भी संभव उचित कार्यवाही होगी वो प्रशासन द्वारा की जाएगी। किसान यूनियन की महिला विंग जिलाध्यक्ष कविता चौधरी व प्रदेश सचिव चौधरी जितेंद्र सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तहसीलदार के आश्वासन से भी सभी किसान नेता संतुष्ट नजर आए। शामली से सीनियर संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 25 मई को आकाश नगरिया अपने पूरे परिवार के साथ होटल हवेली में खाना खाने के लिए गए हुए थे। एक घंटे के दौरान उनके घर से लाखों रुपए की चोरी हुई, जिसकी रिपोर्ट 26 तारीख को करैरा थाने में दर्ज कराई गई। इसके बाद मौके पर SP अमन सिंह राठौर भी पहुंचे थे। SP अमन सिंह राठौर ने 40 लाख से अधिक की चोरी का खुलासा करते हुए बताया, ये चोरी एक घंटे के अंदर ही हुई है। इससे प्रतीत हो रहा है कि कोई जान पहचान वाला व्यक्ति ही इस घटना को अंजाम दे सकता है। जब सभी साक्ष्य एकत्रित कर जांच पड़ताल की गई तो सबसे पूछताछ की गई तो आकाश की दुकान पर 10 से 12 साल से काम करने वाले सैफ अली उर्फ डबोले उर्फ सैफली पुत्र फिरोज खान उम्र 26 साल निवासी काजी मोहल्ला करैरा चोरी का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी बिजावर छतरपुर में एक गर्लफ्रेंड है, उसके साथ हमेशा के लिए वो रहना चाहता था, इसलिए सेठ आकाश के घर की पूरी जानकारी ली और जब वो खाना खाने के लिए गए थे तब उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और एक घंटे के अंदर ही उसे पूरा चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। आरोपी ने अपने घर के बगल में खंडहरों में अंदर छुपाकर पूरा सामान रख दिया था। इसके बाद पुलिस ने पूरा सामान बरामद किया। रात्रि 9 से 10 के बीच में कस्बा करेरा में नकबजनी की बहुत बड़ी वारदात हुई। वहाँ के जो व्यापारी हैं फर्नीचर के, श्री आकाश नगरिया, वो अपने परिवार के साथ रात्रि 9 बजे खाना खाने के लिए बाहर गए थे। जब वो लौटे तो उनके घर में जो अलमारी है उसका लॉकर का ताला टूटा हुआ था। लगभग 15,40,000 रुपये कैश और 25 लाख रुपये के आभूषण उनके चोरी चले गए। बहुत बड़ी वारदात थी, तत्काल हमारी टीम एक्टिवेट हुई। मैं स्वयं कल स्पॉट पर गया था, उसके बाद में SDP करेरा जो है वो छुट्टी पे है, तो SDP चोरी प्रशांत शर्मा इनको मैंने मौके पर भेजा। हमारे DI करेरा श्री सुरेश शर्मा, दो अन्य टीमें और लगाई हमने, चौकी प्रभारी सोनाली जो है योगेंद्र वो, और थाना प्रभारी सीहोर सुनील राज। इसके अतिरिक्त फिंगरप्रिंट की टीम पहुंची, साइबर की टीम पहुंची, बहुत सारे साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद में वहाँ जितने भी लोग काम करते हैं जो संदेह के दायरे में थे उनसे पूछताछ की गई। तकनीकी जो साक्ष्य थे उनसे मिलान किया गया, जहाँ जहाँ विरोधाभास आया पुलिस को शक और गहरा हुआ। तो वहाँ पे श्री नगरिया जी के यहाँ पे एक व्यक्ति काम करता है, सैफ अली खान, ये वहाँ पे 10-12 साल से काम करता है। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन फर्नीचर का काम, इलेक्ट्रिसिटी का काम, अलमारी बनाने का काम ये सब कर लेता है। चूँकि वहीं रहता था ये और पूरे घर की संरचना इसको पता थी, कहाँ पे क्या रखा हुआ है, कहाँ से कौन सा गेट है, खिड़की है, इसीलिए इस वारदात को पैसे के लिए अंजाम दिया था। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि जितना भी पैसा और सोने के आभूषण गए थे पूरे 40 लाख रुपये के, वो पुलिस ने रिकवर किए हैं। हमेशा जब चोरी की घटना होती है तो पीड़ित परिवार को यही चाहिए होता है कि उनका पैसा और जो भी माल गया है वो वापस मिल जाए। और ये मेरे भी करियर का पहला केस है जिसमें इतनी बड़ी राशि चोरी गई और पूरी की पूरी वापस पुलिस ने ढूंढ ली। IG साहब को भी मैंने कल अवगत कराया, IG साहब द्वारा जो उनकी शक्तियाँ हैं उसमें प्रदत्त अधिकतम शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30,000 रुपये का नकद इनाम हमारी पूरी टीम को और SDP साहब को प्रशंसा पत्र देने की उन्होंने घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिखरवा के साथ मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।